नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कला द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र काव्य या कविता का पाठ्यक्रम देखेंगे। कला द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र काव्य के लिए जो निर्धारित पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक, वह है रीति काव्य सुमन। इसके संपादक डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा है। यह पुस्तक माया प्रकाशन मंदिर त्रिपोलिया बाजार जयपुर से प्रकाशित है। विगत वर्ष की बात ही हमारा संपूर्ण पाठ्यक्रम 5 इकाइयों में विभक्त है। 1 से लेकर 4 इकाइयों तक जो प्रश्न उत्तर हमें पूछे जाएंगे वह रीति काव्य सुमन में संकलित अध्यायों पर आधारित रहेंगे। 5 रीतिकाल की प्रवृत्ति और उसके परिचय से संबंधित है। सर्वप्रथम हम 1 को देखें, 1। 1 में रीति काव्य सुमन में संकलित कवि केशवदास, मतीराम और भिखारी दास, इन तीनों ही रीतिकालीन कवियों के संकलित अंशों में से व्याख्या और आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरह 2 में रीति काव्य सुमन में संकलित कवि रीतिकालीन कवि सेनापति और पद्माकर, इन दोनों के ही संकलित अंशों से व्याख्या और आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरह 3, यहाँ 3 की जगह भूलवश 2 छप गया है, ये 3 है। 3 में रीति काव्य सुमन से ही रीतिकालीन कवि भूषण और घनानंद के संकलित अंशों में से व्याख्या और आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरह 4 में, यहाँ भूलवश 3 ही छप गया है, ये 4 है। 4 में रीति काव्य सुमन में से रीतिकालीन कवि देव और बिहारी के संकलित अंशों की व्याख्या और आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार 1 से लेकर 4 तक रीति काव्य सुमन में संकलित रीतिकालीन कवियों के संकलित अंशों के आधार पर प्रश्न पत्र में व्याख्या और आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 के अंतर्गत हमें जो अध्ययन करना है वह है रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्तियाँ, काव्य धाराएँ और उनकी विशेषताएं, इसी के साथ रस, काव्य गुण और काव्य दोष का सामान्य परिचय भी हमें प्राप्त करना है। 5 में जो प्रश्न है वह रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्तियों, उसकी विविध धाराओं, रीतिकाल की विशेषताएं, उसकी पृष्ठभूमि, तत्कालीन परिस्थितियां, इन पर आधारित रहेगा। इसी के साथ रस, रस का क्या स्वरूप है, रस के प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं, रस कैसे कार्य करता है कविता में, कैसे काम करता है, रसानुभूति कैसे होती है, रस निष्पत्ति कैसे होती है, उसका सामान्य परिचय और काव्य गुण और काव्य दोष का भी परिचय हम 5 में पढ़ेंगे। और 5 का जो प्रश्न है वह इन्हीं समस्त शीर्षकों पर आधारित रहेगा। तो इस प्रकार हमारा यह कला द्वितीय वर्ष का हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र काव्य का पाठ्यक्रम रहेगा। संपूर्ण प्रश्न उत्तर इसी पाठ्यक्रम पर आधारित रहेंगे।